नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन बागड़ा, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो भिखारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, उनमें से अपन तीन का अध्ययन कर चुके हैं। चौथा टॉपिक अपना क्रिया, जो क्रिया का टॉपिक अपन इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो क्रम के आधार पर क्रिया कितने भागों में बटी गई है, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, क्रिया का अर्थ क्या होता है? जो क्रिया शब्द है उसका अर्थ होता है करना, काम। क्रिया का अर्थ होता है काम। तो क्रिया कहते किसी ने, क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम। क्रिया कहते किसे? किसी काम का, जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है क्रिया कहलाती है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। फिर दोस्तों, अपने क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? एक होती है क्रिया और एक होती है दोस्तों आपके सामने धातु। एक होती है क्रिया, एक होती है धातु। संस्कृत में धातु कहलाती है। संस्कृत में जो धातु होती है उसी को अपन क्रिया कहते हैं, उसी को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। संस्कृत में धातु कहते हैं और उसी धातु को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। संस्कृत में धातु है और हिंदी में उसी को अपन क्रिया कह देते हैं, क्योंकि हिंदी में एक क्या है कि जो भी धातु है, जैसे पट धातु है, पट या पट धातु है, हंस धातु है, पट धातु, पट या पट धातु है, हंस धातु है, ये धातु है। अब इसमें ना पढ़ते जोड़ते ही आप क्या हो जाएगी? पढ़ना और हंसना, पढ़ना और हंसना। तो ना पढ़ते जोड़ते ही आपकी ये क्रिया हो जाती है। तो संस्कृत में धातु कहते हैं और उसी को अपन हिंदी में क्रिया कहते हैं। और धातु कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है वही क्रिया कहलाती है। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्या चीज है? क्रिया है। इसका मूल रूप क्या हो गया? पढ़। हंसना क्रिया है, इसका मूल रूप क्या हो गया? हंस। तो ये तो हो गया आपकी दोस्तों धातु, इसमें ना पढ़ते जोड़ने के बाद मिल गया आपकी क्रिया। अब दोस्तों दिक्कत अपने ये आती है कि क्रिया के अंत में हमेशा ना होता है, क्रिया के अंत में हमेशा ना का प्रयोग किया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्रिया के अंत में हमेशा ना का प्रयोग किया जाता है, बल्कि कुछ शब्दों के अंत में भी ना का प्रयोग हो जाता है। जैसे ये अपने सामने है, पढ़ना, हंसना, लिखना और चलना। पढ़ना, हंसना, लिखना और चलना, ये सब क्रिया है, क्योंकि क्रिया के अंत में हमेशा ना का प्रयोग किया जाता है। जैसे ना, ना, लिखना, चलना। बल्कि कुछ शब्द भी ऐसे हैं जिनके अंत में ना होता है, जैसे नाना, मीना, अपना, सयाना। दोस्तों इन शब्दों में और इन शब्दों में कोई अंतर नहीं है, इनके अंत में भी ना है और इनके अंत में भी ना का प्रयोग किया गया है। देखो सयाना, अपना, मीना, नाना, इनमें भी ना है। पढ़ना, हंसना, लिखना, चलना। अब मैंने क्या बताया कि क्रिया के अंत में हमेशा ना का प्रयोग किया जाता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी क्रिया है, कौन सा शब्द है, कौन सी क्रिया है और कौन सा शब्द है? तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि जिन शब्दों के अंत में ना हो, ना को हटा दो, दोनों शब्दों पर ना को हटा रहे, ना हटाने के बाद में जो शब्द बच रहा है उसको पढ़ने पर अगर पहले वाला अर्थ वापस निकले, अगर पहले वाला अर्थ ही निकले
तब तो क्रिया है और ना हटाने के बाद में कोई अर्थ नहीं निकले तब वो शब्द है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि किसी भी शब्द के अंत में ना हो, हालांकि क्रिया के अंत में ही ना होता है, कुछ शब्दों के अंत में भी ना आ जाता है, तो आप क्रिया का अंत में से ना हटा दो, शब्दों के अंत में जो ना है उसको हटा दो। ना हटाने के बाद में अगर शेष बचे हुए शब्द का पहले वाला अर्थ ही निकले तब तो क्रिया है, और ना हटाने के बाद में शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले तब वो आपका शब्द है। इसमें ना हटा दिया, अपने इनमें से ना हटा दिया। अब बच रहा है पढ़, पढ़ का अर्थ पढ़ना होता है, हंस, हंस का अर्थ हंसना होता है, लिख, लिखना, चले, चलना, अर्थ वापस निकल रहा है इनमें ना, मी, अपे, सया, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये आपके शब्द हैं और ये आपकी क्रिया है। तो दोस्तों ये मैंने धातु बता दी है, ये क्रिया बता दी है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। किसी काम, जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाता है क्रिया कहलाती है। क्रिया के अंत में क्या होता है? ना। संस्कृत में अपन धातु कहते हैं और हिंदी में इनको अपन क्रिया कहते हैं। अब दोस्तों अपन चलते हैं कि क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो दोस्तों अगर आपसे सीधा सीधे रूप में ऐसे पूछा जाए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तब तो आपको बताना है सिद्ध दो, अकर्मक और सकर्मक। क्या बताना आपको? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगर अलग अलग आधार पर पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तब आपको अलग अलग उस हिसाब से बताना है। अगर सीधा पूछ ले कि क्रिया के भेद बताओ तब आपको दो ही बताने हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं, अब क्रिया के भेद, क्रिया को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर। दूसरा है दोस्तों अपना काल के आधार पर क्रिया के भेद। तीसरा है दोस्तों संरचना के आधार पर, संरचना के, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। दोस्तों वे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है अपने दो, काल के आधार पर क्रिया के भेद है तीन, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं आठ। कितने हैं? आठ। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं दो, दो कौन कौन से हैं? पहला हो गया दोस्तों अपना अकर्मक क्रिया, दूसरी हो गई अपनी सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। काल के आधार पर तीन क्रिया कौन सी है दोस्तों? पहली है वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, सॉरी कर्म से लिखो। अगर ऐसे पूछ रहे कि क्रिया के काल के आधार पर क्रिया के भेद कर्म से कितने होते हैं, तो आपको कर्म से बताना है भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरी है भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। दोस्तों ये हो गए अपने काल के आधार पर क्रिया के भेद, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्य, भविष्यकालिक क्रिया। अगर इनके भी और पूछ ले तो भूतकालिक क्रिया अपने छवा को बांटे, भूतकाल के जो छह भेद होते हैं वो क्रिया के भी भेद माने जाते हैं, वर्तमान के चार, भविष्य काल के चार, ये अपन काल में देख लेंगे। फिर है अपनी संरचना के आधार पर क्रिया के भेद है आठ। दोस्तों पहला कौन कौन से आठ? पहली है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है अपने दोस्तों सजातीय क्रिया,
तीसरी है दोस्तों नाम तत्व क्रिया, चौथी है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया, फिर अपने चार इधर हैं सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थी क्रिया, सजातीय, नाम धातु, पूर्वकालिक, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया और दोस्तों कृदंत क्रिया। कौन सी है? कृदंत या कृत क्रिया। तो दोस्तों अपने संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हो गए आठ, प्रेरणार्थी क्रिया, सहजाती क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, कृदंत या कृत क्रिया। तो दोस्तों ये हो गए क्रिया का वर्गीकरण, कर्म के आधार पर दो हो गए, काल के आधार पर तीन हो गए और संरचना के आधार पर हो गए आपके आठ। अब अपन चलते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद हैं उनके उपभेद कौन कौन से हैं। अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, दो उपभेद होते हैं, कौन कौन से? पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। सहकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण सहकर्मक और अपूर्ण सहकर्मक, पूर्ण सहकर्मक और अपूर्ण सहकर्मक। फिर इनके जो पूर्ण अकर्मक है इसके भी दो उपभेद होते हैं इस प्रकार से, वो कौन कौन से हैं? ये है पहला गत्यर्थ बोधक, स्थितर्थ बोधक, गत्यर्थ पर स्थितर्थ, गत्यर्थ का गति का अर्थ, गति बोधक पर स्थिति बोधक, गत्यर्थ गतिबोधक, स्थितार्थ स्थिति बोधक। फिर अपने जो पूर्ण सहकर्मक है उसके भी दोस्तों दो भेद उपभेद हैं, वो कौन कौन से हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो दोस्तों कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद हैं अकर्मक और सहकर्मक। अकर्मक क्रिया के दो उपभेद हो गए पूर्ण अकर्मक अपूर्ण अकर्मक। फिर पूर्ण अकर्मक के दो उपभेद हो गए गत्यर्थ और स्थितार्थ बोधक। फिर सहकर्मक क्रिया के दो हो गए पूर्ण सहकर्मक अपूर्ण सहकर्मक। पूर्ण सहकर्मक के दो भेद हो गए एक कर्मक और द्विकर्मक। इस प्रकार से अपने क्रिया के संपूर्ण रूप से विस्तृत रूप से ये वर्णन होता है। अब अपन प्रत्येक का अध्ययन करेंगे कि कहां पूर्ण है, कहां गतिबोधक है, कहां एकर्मक है, कहां द्विकर्मक है, कहां अपूर्ण क्रिया है, कौन सी सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है, विस्तृत रूप से मैं आपको अच्छे तरह से समझाऊंगा। अब अपन चलते हैं नंबर एक लेते हैं कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो दोस्तों आपने ये देख लिया होगा अपन एक एक से क्रम वाइज एक एक टॉपिक का अध्ययन करते जाएंगे। अब दोस्तों आपको यह देखना है कि कर्म के आधार पर जो क्रिया के जो दो भेद हैं अकर्मक और सहकर्मक उनका पता कैसे लगेगा कि कहां अकर्मक है कहां सहकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों आपसे ऐसे पूछ ले कि क्रिया में कर्म कितने होते हैं, क्रिया में कर्म कितने होते हैं, कितने कर्म होते हैं? तो दोस्तों क्रिया में कर्म होते हैं दो, कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। कौन कौन से? एक तो क्या किसको किसे या किससे, पहला कर्म दूसरा कर्म। क्रिया में कर्म कितने होते हैं? दो।
एक तो क्या, एक किसको, किसे या किससे, क्या वाला होता है आपका दोस्तों मुख्य कारण, मुख्य मुख्य कारण ये होता है दोस्तों गौण कारण, कौन सा होता है दोस्तों गौण कारण होता है, ये मुख्य कारण होता है आपका निर्जीव, गौण कारण होता है आपका सजीव। दोस्तों इसी बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, यही आपका विशेष बिंदु है, इन दो कर्म के आधार पर ही अपन सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अंतर कर पाएंगे। देखो क्रिया में कर्म होते हैं दो, एक तो मुख्य कर्म होता है एक गौण कर्म होता है, मुख्य कर्म और गौण कर्म। इस मुख्य कर्म को अपन, इसको अपन प्रधान कर्म भी बोल सकते हैं, प्रधान कर्म भी बोल सकते हैं और इसको अपन अप्रधान कर्म भी बोल सकते हैं, प्रधान कर्म और अप्रधान, मुख्य और गौण। वैसे मुख्य का विलोम क्या होता है गौण, मुख्य का विलोम होता है गौण, मुख्य कर्म निर्जीव होता है गौण कर्म सजीव होता है, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। कभी कभार प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि इस क्रिया में अप्राणीवाचक या प्राणीवाचक कर्म बताओ, प्राणीवाचक कर्म कौन सा होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना क्रिया में कर्म होते हैं दो, मुख्य कर्म होता है एक होता है गौण कर्म, मुख्य कर्म निर्जीव होता है, निर्जीव को अपने प्राणीवाचक बोल सकते हैं। दोस्तों अपने उल्टा लिख दिया, क्रिया में दोस्तों क्रिया में कर्म कितने होते हैं, तो दोस्तों क्रिया में कर्म होते हैं दो, कितने कर्म होते हैं दो कर्म होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म दूसरा होता है गौण कर्म। मुख्य कर्म निर्जीव होता है, मुख्य कर्म निर्जीव होता है और गौण कर्म सजीव होता है। जैसे क्रिया में कर्म होते हैं अपने दो, कितने कर्म होते हैं दो, एक पहला होता है आपका क्या, दूसरा होता है आपका किसको, किसे या किससे, किसको किसे या किससे। दोस्तों पहला हो गया क्या, दूसरा हो गया किसको किसे या किससे, जिस वाक्य में क्या का उत्तर मिले वो हो गया आपका मुख्य कर्म, मुख्य कर्म, और किसको का उत्तर मिले वो हो गया आपका गौण कर्म। तो दोस्तों क्रिया में कर्म हो गए दो, एक तो होता है मुख्य कर्म दूसरा होता है गौण कर्म। इस मुख्य कर्म को अपन प्रधान कर्म भी कह सकते हैं और इसको अपन अप्रधान कर्म भी कह सकते हैं, प्रधान ये प्रधान कर्म और ये अप्रधान कर्म। मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होता है, गौण कर्म हमेशा सजीव होता है, मुख्य कर्म सदैव निर्जीव होता है और गौण कर्म सदैव क्या होता है सजीव होता है। इसको अपन दोस्तों अप्राणीवाचक भी कह सकते हैं, अप्राणीवाचक, और इसको अपन दोस्तों प्राणीवाचक भी कह सकते हैं, प्राणीवाचक। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि क्रिया में कर्म कितने होते हैं, तो क्रिया में कर्म दो होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म दूसरा होता है गौण कर्म, इसको प्रधान कर्म कह सकते हैं, इसको अप्रधान कर्म कह सकते हैं। मुख्य कर्म निर्जीव होता है, निर्जीव कह दो जैसे अप्राणीवाचक कह दो, और गौण कर्म सजीव होता है जो प्राणीवाचक होता है, प्राणी होता है जिसमें प्राण हो। अब मेन चीज ये है दोस्तों,
इसी चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यही चीज आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया में पता लगाने के लिए आवश्यक है। अगर किसी भी वाक्य में, अब आपको ये बता रहा हूं मैं कि अकर्मक क्रिया कहां होती है और सकर्मक क्रिया कहां होती है, अगर किसी भी वाक्य में क्या का उत्तर मिले, किसी भी वाक्य में क्या का उत्तर मिले तो वो सकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया की दोस्तों? सकर्मक क्रिया। अगर किसी वाक्य में किसको, किसे या किससे इसका उत्तर मिले तो वो होगी आपकी सकर्मक क्रिया। दो प्रश्न हो गए दोस्तों। तीसरा नियम ये है, अगर किसी भी वाक्य में इन दोनों का उत्तर एक साथ मिल जाए तो भी आपकी सकर्मक क्रिया होगी। चौथा नियम, अगर किसी भी वाक्य में इन दोनों का उत्तर नहीं मिले, किसी वाक्य में इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं मिले तो वो होती है आपकी हमेशा अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों मैंने सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के चार नियम बताए, दोबारा से देखना। अगर किसी भी वाक्य में क्या का उत्तर मिले, क्या का उत्तर मिल जाए तो क्रिया होगी आपकी सकर्मक। अगर किसी भी वाक्य में क्या का उत्तर मिल जाए तो क्रिया होगी सकर्मक। अगर किसी वाक्य में किसको का उत्तर मिल जाए तो क्रिया होगी आपकी सकर्मक। तो प्रश्न हो गए दोस्तों, अगर क्या का उत्तर मिले तो सकर्मक, किसको, किसे, किससे का उत्तर मिले तो सकर्मक। अगर किसी वाक्य में इन दोनों का उत्तर मिल जाए, क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल जाए तो भी क्रिया होगी आपकी सकर्मक। कौन सी होगी? सकर्मक। और दोस्तों अगर किसी भी वाक्य में इन दोनों का उत्तर नहीं मिले तब होगी क्रिया आपकी अकर्मक। ये सिस्टम दोबारा देखना दोस्तों, क्या का उत्तर मिले तो सकर्मक, किसको का उत्तर मिले तो सकर्मक, दोनों का उत्तर एक साथ मिल जाए तो सकर्मक, और उत्तर किसी का भी नहीं मिले तब क्रिया होती है आपकी अकर्मक। अब दोस्तों जैसे मैं आपके सामने चार उदाहरण लिख रहा हूं, राम घर में धीरे धीरे खेल रहा है, राम घर में धीरे धीरे खेल रहा है। पक्षी मैदान में इधर उधर दाना चुग रहे हैं, पक्षी मैदान में इधर उधर दाना चुग रहे हैं, राम विद्यालय में शाम को पढ़ाता है, राम विद्यालय में शाम को पढ़ाता है। अध्यापक छात्रों को कहानी सुनाता है, अध्यापक छात्रों को कहानी सुनाता है। और दोस्तों एक उदाहरण और लिख देता हूं मैं आपके सामने, तालाब में मछलियां तैर रही है। अगर दोस्तों ये पांच उदाहरण आपके सामने हैं, अगर ये पांचों उदाहरण आपके समझ में आ गए तो कर्म के आधार पर क्रिया कंप्लीट। अब यहां आना दोबारा से कि क्या का उत्तर मिलता, क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक।
किसको का उत्तर मिले तो सहकर्मक, दोनों का उत्तर मिल जाए तो एक ही वाक्य में तो सहकर्मक, किसी का उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक। अब दोस्तों आपको इनका प्रयोग वाक्य में करना कहां पर है, इनका उत्तर कहां कैसे मिलेगा, इसका प्रयोग बना देगा ना। कभी कभार विद्यार्थी कर्ता के साथ लगा देते हैं, कर्म के साथ लगा देते हैं, क्रिया के बाद में कहीं पर भी लगा देते हैं और उसका उत्तर मिल जाता है और क्रिया सहकर्म हो जाती है, जबकि क्रिया होती है आपकी अकर्मक, उसी को अपन सहकर्मी क्रिया बना देते हैं। तो इन जो कर्म है उनका प्रयोग करना कहां पर है, तो दोस्तों जो मुख्य कर्म का उत्तर, मुख्य कर्म किसका उत्तर होता है क्या का, गौण कर्म किसका उत्तर होता है किसको या किसे का, तो इनका वाक्य में प्रयोग करना है और इनका उत्तर मिले तभी सहकर्मी क्रिया होगी, वरना अकर्मी क्रिया होती है। इनका प्रयोग कहां पर करना है दोस्तों, इन दोनों कर्म का प्रयोग आपको जस्ट क्रिया से पहले करना है, कहां पर करना है, क्रिया से पहले, कर्ता से पहले, कर्ता के बाद में कहनी है आपको, पहले सबसे पहले क्रिया ढूंढनी है, सबसे पहले वाक्य में कहां ढूंढनी है, क्रिया ढूंढनी है और क्रिया से पहले करना है इसको, इसका प्रयोग करना है कहां पर, क्रिया से जस्ट पहले। तो दोस्तों आदेश मान लो ये इस उदाहरण को छोड़ने के बाद हम पहले अपनी यहां से शुरू करते हैं, राम घर में धीरे धीरे खेल रहा है। अगर आपने क्रिया को हटा करके उसके स्थान पर क्या का प्रयोग कर दिया तो फिर तो सभी उदाहरण आपके सहकर्मी क्रिया के बन जाएंगे, क्रिया को हटाना नहीं है, क्रिया से जस्ट पहले प्रयोग करना है। कभी कभार आप क्रिया के स्थान पर इनका प्रयोग कर देते हैं और उसको सहकर्मी क्रिया कर देते हैं, जैसे राम घर में धीरे धीरे खेल रहा है, तो अपन इसको उठा देंगे और क्या लगा देते हैं, राम घर में धीरे धीरे क्या खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, उत्तर मिल गया और आपने इसको सहकर्मी क्रिया कर दी। तो दोस्तों क्रिया को हटाना नहीं है, क्रिया से जस्ट पहले इसका प्रयोग करना है यहां पर, क्या और किसको। अब सुनो, राम घर में धीरे धीरे क्या खेल रहा है, राम घर में पहले अपन इसका प्रयोग करते हैं फिर अपन इसका प्रयोग करते हैं, अगर दोनों में से किसी का उत्तर मिलता तो ठीक है सहकर्म हो जाएगी, अगर दोनों में से किसी का उत्तर नहीं मिलता तब आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो राम घर में धीरे धीरे क्या खेल रहा है, अब इस वाक्य में क्या का उत्तर है क्या, नहीं है। अगले का देखते हैं अपन, राम घर में धीरे धीरे किसको खेल रहा है, नहीं उत्तर मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया आपकी वर्षा अकर्मक क्रिया। दोस्तों क्या हो गई, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया, क्योंकि मैंने बताया था अगर किसी भी वाक्य में दोनों का उत्तर नहीं मिले तो होती है आपकी अकर्मक क्रिया। अब अगला उदाहरण है, पक्षी मैदान में इधर उधर, पक्षी मैदान में इधर उधर क्या चुग रहे हैं, क्या चुग रहे हैं, तो दोस्तों उसका उत्तर मिल गया अपन को इसी वाक्य में, दाना चुग रहे हैं, क्या पक्षी क्या चुग रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, तो क्या का उत्तर मिल गया, तो ये हो गया आपकी सहकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया हुई, सहकर्मक क्रिया। अब दोस्तों आपसे ऐसे पूछ ले कि यह सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है या अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऐसे और पूछ ले आपसे आगे कि इसमें कौन सा कर्म है, मुख्य कर्म है या गौण कर्म है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है अगर क्या का उत्तर मिले तो मुख्य कर्म होता है और निर्जीव होता है, किसको उत्तर मिले वो गौण कर्म होता है और सजीव होता है, तो क्या चुग रहे हैं, दाना, तो ये दाना मुख्य कर्म है और निर्जीव है तो सहकर्म क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, अगले उदाहरण में अपन चलते हैं, राम विद्यालय में श्याम को पढ़ाता है, राम विद्यालय में श्याम को पढ़ाता है, तो इसमें राम विद्यालय में श्याम को क्या पढ़ाता है, राम विद्यालय में श्याम को क्या पढ़ाता है, नहीं उत्तर मिल रहा है। अगले में चलते हैं, किसको पढ़ाता है, श्याम को, किसको पढ़ाता है, राम विद्यालय में किसको पढ़ा रहा है, श्याम को पढ़ा रहा है, तो इसमें ये श्याम हो गई सहकर्मक क्रिया और श्याम मुख्य कर्म है या गौण कर्म है, क्योंकि किसको का उत्तर मिल रहा है इसलिए गौण कर्म है और सजीव है, तो ये हो गया आपका सहकर्मक क्रिया का उदाहरण। अगले उदाहरण में चलते हैं अपने, अध्यापक छात्रों को कहानी सुनाता है, अध्यापक छात्रों को कहानी सुनाता है, तो अध्यापक किसको क्या सुनाता है,
इस वाक्य में एक का उत्तर मिल रहा है या दोनों कर्मों का उत्तर मिल रहा है। तो दोस्तों अपन पहले देखते हैं कि अध्यापक क्या सुनाता है, कहानी किसको, छात्रों को, क्या सुनाता है, कहानी सुनाता है किसको, छात्रों को। तो ये छात्र तो हो गया आपका दोस्तों गौण कर्म और ये हो गया आपका मुख्य कर्म। तो ये हो गई सहकर्म क्रिया का उदाहरण। ये कौन सी हो गई, कौन सी क्रिया हुई इसमें दोस्तों, सहकर्म। अब अपन का ये उदाहरण है, तालाब में मछलियां तैर रही है, तालाब में मछलियां तैर रही है दोस्तों। ये कंफ्यूज वाला है, इसमें अधिकतर विद्यार्थी सहकर्म क्रिया कर देते हैं जबकि यह है अकर्म क्रिया का उदाहरण। कैसे, तालाब में मछलियां तैर रही है तो दोस्तों अपन सीधा क्या कर देते हैं कि तालाब में क्या तैर रही है, क्या का उत्तर मिल गया मछलियां, ये लो। तो अपन कर देते हैं इसको कर्म आ लेते हैं और सहकर्म क्रिया कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, सहकर्म क्रिया कर देते हैं, क्योंकि मैंने ही तो बताया ना कि क्रिया से जस्ट पहले क्या का प्रयोग करो, क्या का प्रयोग करो और उसका उत्तर मिल जाए तो सहकर्म क्रिया होती है, उत्तर नहीं मिले तो अकर्म क्रिया होती है। तो मेरे कहे अनुसार क्या का उत्तर मिल रहा है, तालाब में क्या तैर रही है मछलियां, उत्तर मिल रहा है तो आपने क्या कर दिया, सहकर्म क्रिया। बल्कि दोस्तों एक बात बता रहा हूं मैं आपको, हमेशा कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। सबसे पहले ये जो भी है, जो भी आपके सामने वाक्य आए उसमें सबसे पहले एक ही चीज का ध्यान रखना, अगर आपको सीधा पता लग जाए तो ठीक है, अगर किसी वाक्य में सहकर्मक और अकर्मक क्रिया पता नहीं लगे तो एक ही बात का ध्यान रखना, सबसे पहले इसका विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले उस वाक्य में कर्ता और क्रिया ढूंढ लो। अगर किसी वाक्य में आपको क्रिया का पता नहीं लगे तो सबसे पहले उसमें से कर्ता और क्रिया ढूंढो, कर्ता और क्रिया को उस वाक्य से अलग निकाल लो और बाकी उस वाक्य में जो टीचर है, बच्चे कुछ ऐसे हो तो उनको वही छोड़ दो और किससे कोई मतलब नहीं है। कर्ता ले आओ, क्रिया ले आओ, कर्ता और क्रिया उठा लिया अपने सभी वाक्यों में से। फिर जैसे मान लो यही है, तालाब में मछलियां तैर रही है तो इसमें कर्ता कौन है, मछलियां। तो अपने जो दोस्तों यहां पर मछली ले ली, क्रिया क्या है, तैर रही है, तो मछलियां तैर रही है, मछलियां तैर रही है, ये कर्ता ले लिया अपने और क्रिया ले ली, बस और किससे कुछ मतलब नहीं है, ले लिया दोस्तों। फिर अब मैंने बताया था कि इनका प्रयोग कहां करना है, क्रिया से जस्ट पहले, कर्ता और क्रिया के बीच में प्रयोग करो इनका। अगर फिर इसमें यहां पर एक पर तो क्या लिखना है और एक बार किसको लिखना है, एक बार तो क्या लिखना है और एक बार किसको लिखना है, फिर वाक्य को पढ़ना है। अगर फिर इस वाक्य का उत्तर उस टीचर में मिल जाए, जो बचे हुए शब्द है उसमें उत्तर मिल जाए तब तो सहकर्मक है और उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक है। तो दोस्तों सीधी बात यह है, तालाब में मछलियां तैर रही है, चाहे वाक्य कितना ही बड़ा हो, आपको कर्ता ढूंढना है, क्रिया ढूंढनी है, उस दोनों के बीच में क्या और किसको लगाना है, फिर वाक्य को पढ़ना है, अगर उसका उत्तर बचे वाक्य में मिल जाए तो सहकर्मक है और नहीं मिले तो अकर्मक है। ये सीधा नियम है, कभी भी वाक्य गलत नहीं होगा। तालाब में मछलियां तैर रही, इसमें अपने कर्ता ठा लिया और क्रिया ठा ली, मछलियां तैर रही, अब अपन को क्या का प्रयोग उन दोनों के मध्य करना है, मछलियां क्या तैर रही है, मछलियां क्या तैर रही है, उस क्या का उत्तर इस वाक्य में बचे हुए शब्दों में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। अब अपन किसको लगाते हैं, मछलियां किसको तैर रही है क्या उत्तर उसका, किसको का उत्तर वाक्य में नहीं है, तो दोस्तों ये आपका अकर्म क्रिया का उदाहरण है। अगर आप सीधा करोगे तालाब में क्या तैर रही है तो क्या का उत्तर मछली मिलेगा, तो आपने इसको कर्म कर दिया, चलो मान लेते ये कर्म हो गया। अब इस वाक्य में कर्ता कहां है, मछली, तो आपने मछलियों को तो आपने कर्म बना दिया, अब कर्ता नहीं है, एक और कर्ता के बगैर काम हो नहीं सकता क्योंकि तैरने काम कौन कर रही है, मछलियां, तो मछली तो करता है, आपने इसको पहले कर्म बना दिया, तो एक ही चीज को अपन तो बना नहीं सकते, ऐसा नहीं कि इसी को अपने कर्म बना दिया और इसी को अपने कर्ता समझ लिया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो दोस्तों ऐसा मत करना, आप इस नियम के हिसाब से ना, ये कब करना है जब आपके समझ में नहीं आए। अब राम घर में धीरे धीरे खेल रहा है, इसको अपन वैसे ही करते हैं उस नियम के हिसाब से, राम करता है
खेलना क्रिया है, तो अपन इसको उठाते हैं, हटा देते हैं, कर्ता क्रिया को अपन उधर ले लेते हैं और बाकी शब्दों को यहीं छोड़ देते हैं। तो राम खेल रहा है, वाक्य क्या बन गया अपना, राम खेल रहा है। अब क्या लगाओ, राम क्या खेल रहा है, इस वाक्य में उत्तर गया नहीं है, किसको खेल रहा है उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हो गया आपकी अकर्मक क्रिया। अब अपन चलते हैं अगले में, पक्षी मैदान में इधर उधर दाना चुग रहे हैं, इस वाक्य में कर्ता कौन है, पक्षी, क्रिया चुग रहे हैं, चुग रहे हैं। तो दोस्तों वाक्य क्या बन गया अपना, पक्षी चुग रहे हैं। अब उन दोनों कर्ता क्रिया के बीच में आपको क्या लगाना है, पक्षी क्या चुग रहे हैं, क्या का उत्तर बचे हुए शब्दों में है क्या, दाना, पक्षी क्या चुग रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, इसका मतलब ये उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया हो गई। अगला उदाहरण है, राम विद्यालय में शाम को पढ़ाता है, इस वाक्य में कर्ता कौन है, राम, क्रिया पढ़ाता है, तो कर्ता को हटाओ क्रिया को उठाओ बाकी शब्दों को वही छोड़ दो, तो राम पढ़ाता है, राम पढ़ाता है, क्या राम क्या पढ़ाता है नहीं पता, राम किसको पढ़ाता है, श्याम को, सकर्मक, अध्यापक सुनाता है, अगले उदाहरण में अध्यापक सुनाता है, क्या उत्तर मिल रहा है, कहानी, किसको, छात्रों, दोनों का उत्तर मिल रहा है तो इसका उत्तर ये भी सहकर्मी क्रिया है। तो दोस्तों ये सहकर्मी क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों में पहचान करने का सीधा तरीका यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब जैसे मान लो अपने सामने उदाहरण आ गए, ये उदाहरण यहां से शुरू है, यहां आकर अटक गए कि कौन सा उदाहरण अकर्मक में जाएगा और कौन सा उदाहरण सहकर्मक में जाएगा, तो दोस्तों इतना काम अपना हो गया, ये अकर्मक और सहकर्मक क्रिया का काम करना, इसके माध्यम से ये जो सारणी है इसके माध्यम से आपका बताएगा कि कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है और कौन सा सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अकर्मक के जो उपभेद है और सहकर्मक के उपभेद है। अब वैसे मैं आपको सीधे तौर पर बताता हूं कि सहकर्मक में कर्म होते हैं, अगर एक ही कर्म हो, जैसे ये उदाहरण है, पक्षी मैदान में इधर उधर दाना चुग रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, इसमें एक ही कर्म में क्या चुग रहे हैं, दाना, दूसरा कर्म नहीं है, गौण कर्म नहीं है, तो एक कर्म है, तो ये सीधा उदाहरण सहकर्मक से होता हुआ पूर्ण से होता हुआ एक कर्मक में आ जाएगा। अगला उदाहरण है, अध्यापक छात्रों को कहानी सुनाता है, किसको, छात्रों को, क्या, कहानी, इसमें दोनों कर्म है, मुख्य कर्म भी है और गौण कर्म भी है, तो ये सहकर्मक का उदाहरण हो गया, पूर्ण से होता हुआ ये द्विकर्मक में आ जाएगा। जिस वाक्य में एक कर्म हो वो एक कर्म का उदाहरण है, और दोनों कर्म साथ हो तो द्विकर्म का उदाहरण है। अब ये अपूर्ण बच रहा है इसको अपन देखते हैं। अब दोस्तों ये तो आपके साथ समझ में आ गया, इसका विशेष रूप से देखना, क्रिया में कर्म कितने होते हैं, दो, क्रिया में कर्म कितने होते हैं, दो, मुख्य कर्म जो हमेशा निर्जीव और अप्राणिवाचक होता है, दूसरा होता है गौण कर्म, कौन सा होता है दोस्तों, गौण कर्म जो सजीव और प्राणिवाचक होता है, अकर्मक, अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया का पता आपको कर्म के आधार से ही लग सकता है, और सीधा तरीका ये है, कर्ता को क्रिया को हटाओ बाकी शब्दों को छोड़ दो, उन दोनों के मध्य में क्या और किसका प्रयोग करो और सहकर्मक अकर्मक क्रिया का पता आपको पूर्ण रूप से लग जाएगा। अब दोस्तों अपन चलते हैं अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में, तो दोस्तों अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया कहां कैसे होती है, मैं आपको इसी के माध्यम से पूरा समझाता हूं, इसी के माध्यम से आपको पूरा समझाता हूं, कर्म के आधार पर क्रिया यहीं पर पूरी हो जाएगी। पहले अपन चलते हैं अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया का मैं उदाहरण समझा रहा हूं, राम घर में सो रहा है, राम घर में सो रहा है। दोस्तों ये जो मैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बता रहा हूं यह अलौकिक ही है,
मैं किताब से थोड़ा हटकर बता रहा हूं, बल्कि आपके समझ में अच्छी तरह से पूर्ण रूप से आ जाएगा इसी सारणी में, इसी डायग्राम के आधार पर। राम घर में सो रहा है। अगला उदाहरण है, राम बड़ा होकर, राम बड़ा होकर अध्यापक बनेगा, राम बड़ा होकर अध्यापक बनेगा। अगला उदाहरण है, राम बड़ा होकर पुस्तक पढ़ेगा, राम बड़ा होकर पुस्तक पढ़ेगा। सीता मैदान में दौड़ रही है, सीता मैदान में दौड़ रही है। राम छात्रों को क्रिकेट खिलाता है, इन्हें राम शाम को विद्वान समझता है, राम शाम को विद्वान समझता है। दोस्तों 3, 3, 6 दोस्तों, ये मैंने आपके सामने 6 उदाहरण लिखे हैं। इन 6 उदाहरण में आपकी क्रम के आधार पर क्रिया कंप्लीट है। अगर समझ में नहीं आए तो 108 जो मुनियों की रुद्राक्ष की माला आती है वो खरीद लो। अगर इसी तरीके से समझ नहीं आएगी तब, वरना मैं कह रहा हूं 100% गारंटी ले रहा हूं कि सबके समझ में आएगी। अब है ये अपने 6 उदाहरण आपके सामने है। दोस्तों पहले अपन इधर चलते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 2, अकर्मक और सकर्मक। ये तो आपको शायद समझ में आई गई होगी कि क्रिया अकर्मक क्रिया का पता लगाना और सकर्मक क्रिया का पता लगाना। अगर किसी भी वाक्य में, मैंने बताया था, अगर किसी वाक्य में क्या और किसको, किसे या किससे, किसे या किसको, किसे या किससे, किसे या किससे, इनका उत्तर मिल जाए तब तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक। ये मुख्य कर्म हो गया और ये गौण कर्म हो गया, निर्जीव और सजीव, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। अब दोस्तों अपन चलते हैं, जैसे मान लो ये सारे उदाहरण है, ये उदाहरण आपके सामने है, ये उदाहरण यहां से रवाना हुए और यहां आकर अटक गए, यहां आने के बाद में रुक गए। ये उदाहरण सोच रहे हैं कि इधर चलना है या इधर चलना है, अकर्मक में जाना है या सकर्मक में जाना है। तो इनमें से इनको किसके हिसाब से, ये जो सरपंच है ये अपने हिसाब से इनको भेज देगा, जिसमें कर्म नहीं है वो इधर चला जाएगा और जिसमें कर्म है वो इधर आ जाएगा। इसके बाद इनके आधार पर फिर इधर वाले यहां अटक गए, इधर वाले यहां अटक गए। अब इनका आगे जो अटक गए उनका अपन संशोधन कर रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अकर्मक क्रिया में। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म उपस्थित होता है। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्या होती है? दोस्तों ध्यान रखना, जो क्रिया पूर्णता का बोध नहीं कराती है वो पूर्णता का बोध कराती है वो पूर्ण अकर्मक कहलाती है, और जो क्रिया पूर्णता का बोध नहीं कराती है वो अपूर्ण क्रिया होती है। फिर पूर्ण के भी दो भेद, गत्यर्थ स्थितार्थ। गत्यर्थ का मतलब होता है गतिबोधक और स्थितिबोधक। अगर जो क्रिया अकर्मक होते हुए भी गति का बोध कराती है, गति का बोध कराती है वो गतिबोधक में आएगी, और जो क्रिया स्थिति का बोध कराती है, गति न होकर के एक जगह स्थिर रहती है ना, तो वो स्थितिबोधक में आएगी। वो तो हो गया आपकी अकर्मक क्रिया के उदाहरण। फिर
अपन उदाहरण में बाद में चलते हैं, पहले की परिभाषा समझ लो अच्छे तरह से। सहकर्म क्रिया में कर्म होता है जो क्रिया कर्म के साथ साथ पूर्णता का बोध कराए, कर्म होते हुए भी कर्म के साथ साथ, क्योंकि कर्म आएगा। देखो आप कंफ्यूज हो रहा होगा कि पूर्ण इधर भी पूर्ण इधर भी, अपूर्ण इधर भी अपूर्ण इधर भी, तो दोस्तों दोनों में रात और दिन का अंतर है, ये पूर्ण है यह पूर्ण, ये पूर्ण ये अपूर्ण, इसमें अंतर ये रहेगा कि इन दोनों में तो कर्म रहेगा, इनमें कर्म नहीं रहेगा, क्योंकि अंतर तो यही हो गया ना, इसमें इस पूर्ण अकर्म में कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म मिलेगा, इसमें कर्म नहीं होगा इसमें कर्म होगा, तो ये चारों में अंतर है, क्यों ये सकर्मक है ये अकर्मक है, इसलिए कंफ्यूज करने की, कंफ्यूज होने की, संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों जिस वाक्य में या क्रिया में कर्म होता है वो सहकर्मी क्रिया कहलाती है। पूर्ण सहकर्मक कर्म के होते हुए पूर्णता का बोध कराए वो पूर्ण सहकर्मक, और कर्म के दोनों कर्म के होते हुए भी अपूर्णता का बोध कराए, दोनों कर्म है ना, दोनों कर्म अपूर्णता अपूर्ण भाव का बोध कराए वो होता आपकी अपूर्ण सहकर्मक। कर्म होगा फिर भी दोनों कर्म अपूर्ण ही रहेंगे। अब पूर्ण सहकर्म के एक कर्म और द्विकर्मक, अगर किसी वाक्य में एक ही कर्म हो, अब क्रिया में कर्म कितने होते हैं दो, मुख्य कर्म गौण कर्म, अगर किसी वाक्य में एक ही कर्म हो तो वो एक कर्म हो जाएगा, और किसी वाक्य में दोनों कर्म साथ आ जाए तो वो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। तो दोस्तों ये परिभाषा समझ में आ गई होगी आपके, क्योंकि अब अपन चलते इधर, ये आपके सामने छह उदाहरण है, यहां आने के बाद में ये आपकी क्रिया कर्म समाप्त। वैसे क्रिया कर्म में तीन दिन लगते हैं, तो क्या अपन को यहां पर 30 मिनट में पूरे हो जाएंगे क्रिया कर्म, ये छह उदाहरण होने के बाद में क्रिया कर्म खत्म। अगर फिर भी आपके नहीं हो पाते फिर तो करवा ले ही जाए। राम घर में सो रहा है, अब इसमें पहले ये सारे उदाहरण यहां आकर अटक गए, अब आपको इनमें से ये ढूंढना है, पहले इधर नहीं चलना, आपको पहले यहां चलना है कि कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है और कौन सा सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इनका पता आपको क्या और किसको से लग जाएगा, मैं आपको इनके लिए तीन नियम बताऊंगा। पहला नियम, ये नियम तो आपका यहां काम करेगा कि कौन सा अकर्मक का उदाहरण है कौन सा सहकर्मक का उदाहरण है। फिर दो नियम और बताऊंगा जो दोनों फिर यहां काम करेंगे, वो आगे आगे देखते हैं। पहले अपन यहां संशोधन करते हैं कि कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है और कौन सा सहकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों अच्छी तरह से ध्यान से देखते जाना, राम घर में सो रहा है, मैंने बताया था अकर्मक और सहकर्मक की पहचान करने के लिए कर्ता क्रिया को हटा दो, बाकी शब्दों को छोड़ दो, फिर कर्ता क्रिया के बीच में क्या और किसको का प्रयोग हो। तो राम क्या सो रहा है, राम क्या सो रहा है, उत्तर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। राम किसको किसे किससे सो रहा है, उत्तर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो अकर्म क्रिया। एक बात का विशेष और ध्यान रखना, कभी कभार विद्यार्थी यहाँ पर और भी प्रयोग कर देते हैं, किस पर किससे किसके लिए सबका प्रयोग कर देते हैं, बल्कि ना दोस्तों इन दो का ही प्रयोग होता है, क्या किसको किसे, ये किसको किसे दोनों एक ही है, और किससे भी कभी कभार प्रश्न आ जाता है, समझ में आ गया दोस्तों। तो जैसे क्या किसको किसे इनका उत्तर हो जाए, ऐसा नहीं कहां सो रहा है घर में सो रहा है, और कहां कब पर कैसे क्यों किस पर किसके लिए इनका प्रयोग नहीं करना है। तो राम क्या सो रहा है उत्तर नहीं मिल रहा है, राम किसको सो रहा है उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण, किसका उदाहरण हो गया दोस्तों अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। आगे चलते हैं अपन, राम बड़ा होकर अध्यापक बनेगा, तो राम राम करता हो गया, बनेगा क्रिया हो गई, दोनों को हटा लो यहां से, और इनके मध्य में क्या का प्रयोग करते हैं अपन, तो राम क्या बनेगा अध्यापक, बन गया अध्यापक नंबर एक माने से चले, राम बड़ा होकर क्या बनेगा अध्यापक, और मैंने आपको यह बताया था कि क्या का उत्तर मिले वो सकर्मक होती है, बल्कि ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सी क्रिया है दोस्तों अकर्मक, अब कारण इसका वो भी बताऊंगा। अगला उदाहरण है, राम बड़ा होकर क्या पढ़ेगा पुस्तक, राम क्या पढ़ेगा पुस्तक, इसमें भी उत्तर मिल गया क्या का
उत्तर मिल गया, इसमें भी मिल गया उत्तर क्या का, बल्कि ये उदाहरण आपका सकर्मक। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये उदाहरण और ये उदाहरण दोनों सेम है, इसमें भी क्या बनेगा अध्यापक, क्या पढ़ेगा पुस्तक, बल्कि ये अकर्मक कैसे हो गया, जबकि मैं बता रहा हूं क्या का उत्तर मिले वो हमेशा सकर्मक होता है, बल्कि ये अकर्मक कैसे हो गया, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। अगले उदाहरण में चलते हैं अपन दोस्तों। सीता मैदान में दौड़ रही है, तो सीता क्या दौड़ रही है, किसको दौड़ रही है, उत्तर दोनों में किसी का नहीं मिल रहा है, तो हो गया आपकी अकर्मक क्रिया, क्या हो गई अकर्मक क्रिया। दोस्तों आगे हैं, राम छात्रों को क्रिकेट खिलाता है, राम छात्रों को क्रिकेट खिलाता है, क्या क्रिकेट, किसको, छात्रों को। देखो दोस्तों इसमें दोनों का उत्तर मिल रहा है, किसको खिला रहा है, छात्रों को, क्या क्रिकेट खिलाता है, तो ये हो गया आपकी सकर्मक क्रिया, कौन से हो गए दोस्तों सकर्मक क्रिया। फिर अगला उदाहरण है, राम श्याम को विद्वान समझता है, राम श्याम को विद्वान समझता है, तो राम क्या समझता है, विद्वान, उत्तर मिल गया, किसको समझता है, श्याम को, इसमें भी दोनों का उत्तर मिल रहा है, तो ये हो गया आपकी सकर्मक क्रिया। दोस्तों यहां तक अपन पहुंचे, पहला उदाहरण अकर्मक है, राम बड़ा होकर अध्यापक बनेगा अकर्मक है, राम बड़ा होकर पुस्तक पढ़ेगा सकर्मक, ये अकर्मक, और ये लास्ट के दोनों उदाहरण आपके सकर्मक क्रिया के होगा। अब दोस्तों अपन चलते हैं, राम घर में सो रहा है, इसमें आपके कोई कंफ्यूज नहीं है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आपके समझ में आ गया। फिर अपन पहले जो अकर्मक उदाहरण है उन्हीं को लेते हैं अपन। सीता मैदान में दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है, किसको दौड़ रही है, अकर्मक क्रिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये दोनों उदाहरण है, ये वाला और ये दोनों उदाहरण तो आपके अकर्मक क्रिया में चल रहे। अब अकर्मक क्रिया में पूर्ण है कि अपूर्ण है, पूर्ण है या अपूर्ण है, इधर जाएंगे या इधर, इसका झांकना, इसके लिए एक नियम बता रहा हूं, पूर्ण और अपूर्ण में अंतर, पूर्ण और अपूर्ण में अंतर, ये बात मैं बता रहा हूं आपको, क्या कि राम घर में सो रहा है, सीता मैदान में दौड़ रही है, इसके लिए एक चीज का धारणा, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया को तो वाक्य में छोड़ दो, बाकी शेष शब्दों को हटा दो, अगर अर्थ निकले, अर्थ अर्थ निकले तब तो पूर्ण, और अर्थ नहीं निकले, अर्थ नहीं निकले तब अपूर्ण क्रिया होती है। दोस्तों मैंने ये नोट इसके लिए बताया है कि पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया में अंतर है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण क्रिया में अंतर, क्या दोस्तों कि वाक्य में कर्ता को और क्रिया को, जैसे राम इस वाक्य में कर्ता है, क्रिया है सो रहा है, इसको तो वाक्य में छोड़ना है और बाकी शब्दों को हटाना है, बाकी शब्दों को हटाना है, फिर वाक्य को पढ़ना है, अगर फिर वाक्य का अर्थ पहले वाला ही निकले तब तो पूर्ण अकर्मक होगा, और अर्थ नहीं निकले, अर्थ नहीं निकले तब अपूर्ण अकर्मक होगा। तो राम घर में सो रहा है, ये पढ़ लिया, अब इसे कहूं कर्ता और क्रिया को तो वाक्य में छोड़ना है, बाकी शब्दों को हटाना है और फिर पढ़ना है, अर्थ पहले वाला ही निकले तो पूर्ण, अर्थ नहीं निकले तो अपूर्ण। राम सो रहा है, पहले अर्थ क्या था, राम घर में सो रहा है, अब अर्थ क्या है, राम सो रहा है, वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, पूर्ण। अब दोस्तों साथ ये देख लो कि पूर्ण के भी दो भेद है, गति और स्थिति, अगर गति का बोध कराए तो गति अर्थ में, और गति का बोध नहीं कराए तो स्थिति अर्थ में। तो अब इस वाक्य में ये क्रिया देखो कि गति का बोध करा रही है या नहीं करा रही है, सोना गति बोधक है, स्थिति बोधक है, सोना सोने में कोई गति नहीं होती है, स्थिति बोधक है, तो ये पूर्ण की स्थिति बोधक हो गई। तो दोस्तों राम घर में सो रहा है, ये कहां से कहां तक चलेगा, ये यहां से ऐसे अकर्मक से होते हुए पूर्ण में होते हुए ये होगा आपका स्थिति बोधक। अब चलो दोस्तों अगला उदाहरण है अपना, इसको छोड़ दो पहले, ये सीता मैदान में दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है, किसको दौड़ रही है, उत्तर नहीं मिल रहा है, अकर्मक क्रिया है,
अब अकर्मक में पूर्ण है अपूर्ण है इसके लिए तो बताया था मैंने, कर्ता क्रिया छोड़ दो बाकी शब्दों को हटा दो, अर्थ निकले तो पूर्ण अर्थ नहीं निकले तो अपूर्ण। तो सीता दौड़ रही है, सीता दौड़ रही है वाक्य का अर्थ निकल रहा है आराम से, पहले मैदान में दौड़ रही थी अर्थ निकल रहा है, अब सीता दौड़ रही है अर्थ पूर्ण निकल रहा है, तो सीता दौड़ रही है ये हो गया आपका पूर्ण अकर्मक क्रिया। और पूर्ण में भी आप देखो गति बोल देंगे स्थिति बोल देंगे, दौड़ना गति है या स्थिति गति, तो ये हो गया आपकी पूर्ण गति बोधक। कौन से हो गए दोस्तों? पूर्ण गति बोधक। तो दोस्तों ये दो उदाहरण तो आपके पूर्ण गति को स्थिति हो गए, अब अपूर्ण का पता कैसे लगेगा? अब सत्यापन, तो दोस्तों आपके सामने मैंने ये उदाहरण समझा दिया, इसको अपन अब हटा देते हैं। ये सीता मैदान में दौड़ रही है इसको अपन हटा देते हैं। अब है अपने सामने ये भी अकर्मक का उदाहरण कैसे है, अपूर्ण बच रही है, ये सकर्मक ये सकर्मक ये सकर्मक। अब अपन ये जो दो उदाहरण है इनमें चलते हैं, दो उदाहरण इनमें चलते हैं। ये नोट समझ में आएगी आपके वाक्य में ये किस किस की पहचान होता है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया में पहचान करने का तरीका नियम, कि वाक्य में कर्ता क्रिया को छोड़कर शेष शब्दों को हटा दो और फिर वाक्य को पढ़ने पर अर्थ निकले तब तो पूर्ण, अर्थ नहीं निकले वाक्य का तब अपूर्ण क्रिया होती है, अर्थ निकले तो पूर्ण अर्थ नहीं निकले तो अपूर्ण। अब दोस्तों अपन यहां समझते हैं, राम बड़ा होकर अध्यापक बनेगा, क्या बनेगा? अध्यापक। क्या का उत्तर मिल रहा है? क्या पढ़ेगा? पुस्तक। क्या का उत्तर मिल रहा है? दोस्तों ध्यान ये रखना है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी भी वाक्य में क्या का उत्तर मिले तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। क्योंकि इसमें क्या का उत्तर मिलते हुए अकर्मक क्रिया इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा। ये सकर्मक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सकर्मक होते हुए अकर्मक क्यों है? इसका कारण यह है, सुनो तो दोस्तों, इसमें कर्ता कौन है? राम। इसमें कर्ता कौन है? राम। क्रिया बनेगा, क्रिया पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा? अध्यापक। क्या पढ़ेगा? पुस्तक। तो इन दोनों में अंतर यह रहेगा कि जब कर्ता और कर्म, जब वाक्य में कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, ये इस वाक्य का कर्ता हो गया, इस वाक्य में कर्ता ये हो गया, इस वाक्य में ये कर्म हो गया, इस वाक्य में ये कर्म हो गया, मतलब क्या की दृष्टि से, हालांकि कर्म है नहीं है, क्या की दृष्टि से कर्म है, क्या बनेगा? अध्यापक। क्या पढ़ेगा? पुस्तक। तो कर्म लग रहा है, चलो ठीक है। अगर वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों, दोस्तों ध्यान यहां देना है आपको अलग अलग, वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अलग अलग हो, अलग अलग हो, तब तो रहेगी आपकी सकर्मक क्रिया। दोस्तों कौन सी रहेगी? जब वाक्य में कर्ता अलग हो और कर्म अलग हो, दोनों स्वतंत्र होना चाहिए, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तब तो रहेगी आपकी सकर्मक क्रिया। और जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों समान हो, तब रहेगी आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया मान लेते हैं, तब होती है आपकी अकर्मक, अकर्मक क्रिया। कौन सी रहेगी दोस्तों? अकर्मक क्रिया। दोबारा सुनना, जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अलग अलग हो तो सकर्मक क्रिया, जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों एक समान हो तो अकर्मक क्रिया। अब एक समान और अलग अलग कैसे? राम बड़ा होकर क्या पढ़ेगा? पुस्तक। ये कर्म है, ये कर्ता है, तो राम को अपन पुस्तक कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। पुस्तक को अपन राम कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। दोनों अलग अलग है या नहीं है? अलग अलग है, कर्ता अलग है, कर्म अलग है, तो आपकी होगी आपकी सकर्मक क्रिया। दोस्तों समझ में आ गया? अब ऊपर वाले वाक्य में चलते हैं, राम बड़ा होकर क्या बनेगा? अध्यापक।
राम क्या है? अध्यापक। अध्यापक कौन है? राम। राम पुस्तक है क्या? नहीं है। पुस्तक राम है क्या? नहीं है। राम अध्यापक है? अध्यापक कौन है? राम। तो इसमें कर्ता और कर्म दोनों एक ही है, ये कर्म नहीं है, ये कर्ता का ही पूरक रूप है, कर्ता का ही पूरक रूप है, तो ये क्रिया हो गई आपकी है कर्मक। दोस्तों सकर्मक में अगर जिसमें क्या का उत्तर मिले तो दोनों का ये नियम है, इसका धारणा आपको अपने आप पता लगे जाएगा कि कौन सी सकर्मक है कौन सी अकर्मक है, क्योंकि सकर्मक क्रिया के लिए कर्म अनिवार्य है, अपरिहार्य है, और कर्म और कर्ता दोनों सदैव अलग अलग होने चाहिए। इसमें दोनों अलग अलग हैं, बल्कि इन दोनों में कर्ता और कर्म दोनों एक ही है, दोनों आपस में एक दूसरे का पूरक रूप है, इसलिए हो गया आपकी अकर्मक। दोस्तों ये समझ में आ गया आपके? चलो ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों अपन ये समझ में आ गया कि ये अकर्मक का तो है बल्कि पूर्ण अपूर्ण, ये अपूर्ण का उदाहरण है। अब आपको पता कैसे रहेगा कि हमें अपूर्ण का अपूर्ण का पता कैसे रहेगा? ये नियम मैंने बताया था कि वाक्य में कर्ता क्रिया को छोड़ दो, शेष शब्दों को हटा दो, फिर अपन को पढ़ना है, अर्थ निकले तो पूर्ण, अर्थ निकले तो अपूर्ण। अब ये उदाहरण है, पहले वाला उदाहरण ही कहता हमने, जैसे मालूम पक्षी मैदान में उड़ रहे हैं, तो उसमें पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। अब पक्षी ये उदाहरण था पहले कि पक्षी मैदान में उड़ रहे हैं, तो कर्ता क्रिया को अपने छोड़ दिया, बाकी शब्दों को उठा दिया, तो पक्षी उड़ रहे हैं। अब इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है, निकल रहा है, तो ये हो गया आपकी पूर्ण गतिय स्थिति गतिबोधक हो गई। अब ये उदाहरण है, राम बड़ा होकर अध्यापक बनेगा, ये वैसे तो सकर्मक का लग रहा है बल्कि है अकर्मक में। अब अकर्मक में पूर्ण या अपूर्ण, इसकी पहचान का नियम ये है कि कर्ता क्रिया को तो छोड़ रहा है, बाकी शब्दों को उठाना है, अर्थ निकले तो पूर्ण, अर्थ नहीं निकले तो अपूर्ण। अब इसमें से अपन कर्ता लेते हैं राम, क्रिया लेते हैं बनेगा। अब इसको पढ़ना है, पहले वाले को अपन पढ़ रहे थे पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य का अर्थ निकल रहा है, आप चाहे इस वाक्य को कितनी ही बार बोलो कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। अब इसको अपन पढ़ेंगे राम बनेगा, राम बनेगा, तो कोई पूछ रहा कि क्या बनेगा, क्यों? क्योंकि आपके वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं निकल रहा है, इसलिए यह है आपका अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे अपन इसके स्थान दूसरा वाक्य चेंज करते हैं, हालांकि दोस्तों ये समझाने बाद में मैं आपको 10 उदाहरण भी यही लिखाऊंगा, आपको बताना है। जैसे अपन यहां लिखते हैं राम बड़ा चतुर निकला, राम बड़ा चतुर निकला, तो राम क्या निकला? चतुर। क्या का उत्तर मिल गया? चतुर कौन? राम। राम क्या? चतुर। अकर्मक हो गई। अब अकर्मक के पूर्ण अपूर्ण, तो राम और क्रिया क्या है? निकला, तो राम निकला, भाई राम क्या निकला, अर्थ नहीं निकल रहा इसका, इसका मतलब हो गया आपकी अपूर्ण अकर्मक। तो दोस्तों ये अकर्मक सकर्मक में पता हो गया और ये पूर्ण और अपूर्ण में पता हो गया, तो ये अध्यापक वाला अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये हो गया दोस्तों अपने अकर्मक और सकर्मक में पता। अब चलते हैं दोस्तों अपन, देखो नीचे दो उदाहरण बच रहे हैं, ये सकर्मक है, राम बड़ा होकर पुस्तक पढ़ेगा। अब इस वाक्य में सकर्मक का उदाहरण है, ये उदाहरण ये क्लियर हो गया आपके सामने, इसको अपन मिटा देते हैं, ये समझ में आएगा नोट। अब राम बड़ा होकर पुस्तक पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? पुस्तक, ये उदाहरण यहां आ गया। अब पूर्ण का है क्या पूर्ण का, दिक्कत ही आती है। तो सोचो दोस्तों, अगर किसी वाक्य में, मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर किसी भी वाक्य में एक ही कर्म हो, अगर किसी वाक्य में एक ही कर्म हो तो वो सदैव एक कर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। इसमें एक ही कर्म, तो ये बिना रोके, किसी के रोके टोकने के बजाय भी सीधा पूर्ण में जाएगा, पूर्ण से एक कर्मक में चला जाएगा। बात ऐसे होता, राम श्याम को पढ़ाता है, राम श्याम को पढ़ाता है,
क्या पढ़ाता है? नहीं पता। किसको पढ़ाता है? श्याम को। इसमें क्या पढ़ेगा? पुस्तक। दोनों में एक एक क्रम मिलता है, इसमें मुख्य क्रम है, इसमें गौण क्रम है, बल्कि है तो एक ही क्रम ना। तो ये दोनों उदाहरण आपके सहकर्मक से होते हुए, पूर्ण से होते हुए एक क्रमक में चले जाएंगे। ये दोनों हो गए आपके एक क्रम के उदाहरण। क्योंकि अब दोस्तों इसमें देखो किसको? छात्रों को क्या? क्रिकेट। किसको? श्याम को क्या? विद्वान। इनमें तो दो दो क्रम है, मुख्य क्रम भी है और गौण क्रम भी है, तो एक क्रम में तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि एक कर्मक की रहकर उदाहरण तो एक ही कर्म होना चाहिए। अब दोस्तों ये दोनों को मैं अंतर समझो कि ये उदाहरण है किसको? श्याम को। राम किसको? छात्रों को क्या खिलाता है? क्रिकेट। किसको? श्याम को। क्या समझता है? विद्वान। दोस्तों दोनों उदाहरण में दोनों कर्म है, ये तो है दोनों गौण कर्म और ये दोनों आपके मुख्य कर्म हो गया। अब दोस्तों ध्यान रखना है द्विकर्म क्रिया में भी दोनों कर्म होते हैं और इसमें भी दोनों कर्म होते हैं। द्विकर्म क्रिया में दोनों कर्म होते हैं और इसमें भी अपूर्ण सहकर्म में भी दोनों कर्म होते हैं। तो दोस्तों दोनों फिर तीसरा नियम बता रहा हूं मैं आपको, जब वाक्य में दोनों कर्म अलग अलग हो और जब वाक्य में दोनों कर्म समान हो। दोस्तों ध्यान देना, नियम आ रहा है अपूर्ण सहकर्मक में भी आपको दोनों कर्म मिलेंगे और द्विकर्मक में भी दोनों कर्म मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक ही कर्म है आएगा। इन दोनों का पहचान करने का नोट यह है, जब वाक्य में दोनों कर्म अलग अलग हो और जब वाक्य में दोनों कर्म एक समान हो। जब वाक्य में दोनों कर्म अलग अलग हो तब तो होगी आपकी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी होगी दोस्तों? द्विकर्मक क्रिया। और जब वाक्य में दोनों कर्म एक समान हो तब होगी दोस्तों अपनी अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। कौन सी होगी? अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। अब अपन को पता कैसे लगे अलग अलग है या एक ही है? दोस्त अपन चलते हैं, राम छात्रों को क्रिकेट खिलाता है, किसको? छात्रों को क्या? क्रिकेट। इसमें ये गौण कर्म आ गया, ये मुख्य कर्म आ गया। ये दोनों कर्म एक ही है या अलग अलग है? छात्रों को अपन क्रिकेट कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। छात्र अलग है, क्रिकेट अलग है। तो दोस्तों ये हो गया आपका द्विकर्मक का उदाहरण। किसका उदाहरण हो गया? द्विकर्मक का उदाहरण। अगले उदाहरण में चलते हैं अपन है। राम श्याम को विद्वान समझता है, किसको? श्याम को। गौण कर्म। क्या समझता है? विद्वान। मुख्य कर्म। श्याम क्या है यहां पर? विद्वान। विद्वान कौन है? श्याम। श्याम को विद्वान कह सकते हैं? हाँ, विद्वान को श्याम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें छात्रों को क्रिकेट कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो दोनों कर्म अलग अलग है यहाँ पर और इसमें दोनों कर्म एक समान है। ये हो गया आपकी अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। दोस्तों इन दोनों में ये नियम ध्यान रखना कि जब दोनों कर्म अलग अलग हो तो द्विकर्मक, जब दोनों कर्म एक समान हो ऐसे तब आपकी अपूर्ण सहकर्म। अब ऐसे मैं बोलता हूं, राम सीता को पत्नी मानता है, राम सीता को पत्नी मानता है, किसको? सीता को। क्या? पत्नी। दोनों का उत्तर मिल रहा है। अब आपको यह देखना है कि दोनों कर्म अलग अलग है या एक ही है। पत्नी कौन? सीता। सीता क्या है? पत्नी। पत्नी सीता दोनों एक ही है, इसका मतलब अपूर्ण सहकर्म। और इसी उदाहरण को अपन चेंज करते हैं, राम सीता को फल खिलाता है, राम सीता को फल खिलाता है, किसको? सीता को। क्या खिलाता है? फल। अब सीता फल है क्या? फल को अपन सीता कह सकते क्या? नहीं कह सकते। सीता अलग है, फल अलग है। तो हो गया आपका भाई दोस्तों द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। दोस्तों अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मैंने आपको इस कर्म के आधार पर जो क्रिया के दो भेद होते हैं अकर्मक और सहकर्मक, ये आपके क्रियाकर्म पूर्ण हो चुके हैं। बल्कि एक बार रिपीट दोबारा से करा, इसमें आपको चार नियम ध्यान रखने, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? दो, अकर्मक और सहकर्मक। अब अकर्मक और सहकर्मक क्रिया का पता आपको पहला नियम, पहला नियम ये रहा,
क्या और किसको से पता लगे जाएगा। अकर्मक और सहकर्मक क्रिया का पता लगेगा आपको क्या और किसको से, कैसे? अगर किसी भी वाक्य में क्या का उत्तर मिले सहकर्मक, किसको का उत्तर मिले सहकर्मक, दोनों का उत्तर मिल जाए तो सहकर्मक, किसी का नहीं मिले तो अकर्मक। ये मैंने नियम शुरू में बताया। फिर दोस्तों अपन चलते हैं पूर्ण और अपूर्ण में अंतर। पूर्ण और अपूर्ण में अंतर ये क्या बताया था कि कर्ता और क्रिया को छोड़कर शेष शब्दों को हटाने पर अगर वाक्य का अर्थ निकले तो पूर्ण और अर्थ निकले तो अपूर्ण। जैसे पक्षी मैदान में उड़ रहे हैं तो पक्षी उड़ रहे, अर्थ निकल रहा है तो पूर्ण हो गया। फिर गति का बोध, पूर्ण वाले में गति का बोध रहे तो गति बोधक, गति का बोध नहीं करे तो स्थिति बोधक। चलो ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपने सहकर्मक क्रिया में। सहकर्मक क्रिया के दो पूर्ण अपूर्ण एकर्मक द्विकर्मक। अगर जिस वाक्य में एक ही कर्म हो चाहे वो क्या वाला मुख्य कर्म हो चाहे किसको वाला गौण कर्म हो तो आप सीधे गोल गेट कहां है एकर्मक में, रुकना ही नहीं है, पीछे देखना ही नहीं। अब दोस्तों अगला नियम बताया था मैंने, पहला हो गया, ये दूसरा नियम हो गया और ये तीसरा नियम, ये तीसरा नियम। तीसरा नियम यह है कि द्विकर्मक क्रिया में भी दोनों कर्म प्रयुक्त होते हैं और अपूर्ण सहकर्मक में भी दोनों कर्म प्रयुक्त होते हैं। जब दोनों कर्म अलग अलग हो तो द्विकर्मक और जब दोनों कर्म एक समान हो तो अपूर्ण सहकर्मक। इसमें दोनों कर्म अलग अलग है तो ये द्विकर्मक का उदाहरण है। इसमें राम विद्वान है तो विद्वान को श्याम भी कह सकते हैं, दोनों कर्म एक ही है तो ये अपूर्ण का उदाहरण है। अब दोस्तों ये अपने एक चौथा नियम यह था अपने कि राम बड़ा होकर अध्यापक बनेगा, अध्यापक बनेगा, क्या बनेगा अध्यापक, क्या पढ़ेगा पुस्तक। ये दोनों सहकर्मक लग रहे बल्कि ये सहकर्मक, ये हो गया आपका अकर्मक। इसका नियम मैंने ये बताया था, इसमें तो दोनों कर्म अलग अलग और एक समान होते हैं, इस सहकर्मक में और अकर्मक में अंतर यह रहेगा कि जब कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, जब कर्ता और कर्म अलग अलग हो तब तो रहेगी आपकी सहकर्म क्रिया और जब कर्ता और कर्म एक समान हो तब रहेगी आपकी अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ये हो गया आपका चौथा नियम। दोस्तों ध्यान देना इन दोनों में तो अंतर यह रहेगा, इसमें दोनों कर्म अलग अलग होने चाहिए, कर्ता नहीं कर्म, इसमें दोनों कर्म एक समान होने चाहिए तब अपूर्ण अलग अलग तो द्विकर्मक। अब इसमें और इसमें अंतर यह रहेगा कर्ता और कर्म, जब कर्ता और कर्म अलग अलग हो तब तो सहकर्मक और कर्ता और कर्म दोनों एक हो तब अपूर्ण अकर्मक। जैसे इसमें राम और अध्यापक दोनों एक ही चीज है। तो दोस्तों ये चार नियम आप ध्यान रखना, क्रिया का एक भी उदाहरण गलत नहीं हो पाएगा। इस तरह से अपने ये कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद है अकर्मक और सहकर्मक ये पूर्ण हो चुके हैं। बल्कि अगले पार्ट में भी, अभी इसमें दो तीन बातें और बतानी मेरे को, अगले पार्ट में अपन कर्म के आधार पर क्रिया के जो विशेष तथ्य हैं जो आपको कहीं न तो सुना होगा और ना सुन पाओगे वो अपन अगले पार्ट में बताएंगे। बल्कि अभी भी इसमें कुछ विशेष बातें और बच रही है, वो